नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि 5 लोग सवार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं डॉक्टरों ने बिना इलाज किए रेफर कर दिया। तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है। मामला बलरामपुर उतरौला रोड का है, जहाँ पर बहराइच से 5 लोग सवार होकर स्कॉर्पियो से उतरौला जा रहे थे। अचानक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गालीपुर चौराहा पर खड़ी ट्रक में घुस गई। वहीं मौके पर स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों, जिसमें से 1 महिला और 2 पुरुषों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गंभीर लोगों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर संवेदनशील का हल पार करने के बजाय घायलों को न तो पट्टी दी, न ही इलाज किए और फिर रेफर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। बहराइच से हमारे रिलेटिव्स हैं और मोहल्ले वाले भी हैं 2 लोग उसमें से, तो वो लोग बहराइच से उतरौला के लिए जा रहे थे। रास्ते में श्रीगंज में हुआ एक्सीडेंट उन लोगों का, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। हम लोग यहाँ से 1.5 घंटे से हैं। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? कितने लोग? 3 लोग उसमें एक्सपायर हो गए हैं, एक छोटी सी बच्ची और उसकी मम्मी, वो दोनों सीरियस थे, क्रिटिकल कंडीशन था। यहाँ पे जो हम लोग पहुँचे हैं तो जिस हालत में उन्हें यहाँ पे रखा गया था, इवन एक भी बार ड्रेसिंग भी नहीं किया गया उनका, और यहाँ अंदर ऑक्सीजन होते हुए भी ये बोला गया कि बाहर एम्बुलेंस आ रही है। डॉक्टर ने बदतमीजी से बोला कि आप लोग बाहर निकल के आइए, यहाँ हम लोग बाहर आके वेट कर रहे थे। पेशेंट को भी बाहर निकाला गया, पेशेंट यहाँ पे 1.5 घंटे तक खड़ा था विदाउट एम्बुलेंस, क्रिटिकल कंडीशन में। उनके सर पे स्टिचेज, यहाँ पे पूरा ट्रॉमिक है, फटा हुआ है सर भी, हाथ पैर भी टूटे हुए हैं, और 1.5 घंटे तक वो इसी कंडीशन में यहाँ पे बाहर पड़े हुए थे। और अंदर ये चाहते तो खुद से भी ड्रेसिंग भी कर सकते थे, और चाहते तो जितनी देर तक एम्बुलेंस की फैसिलिटी भले ही ना अवेलेबल हो तो ये अंदर ऑक्सीजन पे रख सकते थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस ना अवेलेबल हो, ये तो किसी भी तरीके से माना नहीं जाएगा। 1 घंटे से यहाँ प्रयास कर रहा हूँ एम्बुलेंस के लिए, यहाँ एम्बुलेंस अभी तक कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। मरीज बड़ी गंभीर हालत में है और इसके लिए कोई कार्रवाई और कानूनी कोई वो नहीं हो रहा है। एम्बुलेंस के लिए हम 1 घंटे से प्रयास कर रहे हैं, एम्बुलेंस ये लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, मरीज की गंभीर हालत में है। मरीज जो डेथ हुई है, एक मोहम्मद सिराज, एक अरशद हुसैन, क्योंकि ये जो वही होगी 45 साल लगभग, नगर उतरौला घायल है वो मेरा तुरंत नहीं संयुक्त के चल रहा हूँ। एक बच्ची है हलीमा कोनी, हलीमा कोनी बता रहे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।